हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विवान स्टडी पर। मैं आरके मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। होपिंग कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अपकमिंग डेज में, उनकी तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपकी हमेशा साथ रहेंगी। बस आप मेहनत करते चलें, क्योंकि संघर्ष से ही सब कुछ पॉसिबल है। कुछ लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल, लेकिन लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर हम मेहनत करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो लगातार प्रयास करते रहें और अपनी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। चलिए, कल जो मैंने आपके लिए जो वीडियो अवेलेबल कराया था, वो पार्ट 1 था आपका, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पार्ट 2 आपका जल्द ही आने वाला है। तो आपका पार्ट 2 लेके मैं अवेलेबल हुआ हूँ आज। चलिए, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं कि स्टेट वाइज किस स्टेट में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं और कौन कौन से मुख्य अभयारण्य हैं। ठीक है, और वो अभयारण्य कब स्थापित किए गए हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए दोस्तों, राजस्थान में जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे आपको विजिट करवाते हैं। आपकी इन इन इंटरेस्टिंग पार्क्स, इन रुचिकर अभ्यारण जो हैं, उनका उनकी मैं आपकी सैर करवाता हूँ और उनके विषय में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटे मोटे मोटी मोटी जानकारी देता चलूँगा, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सके, वर्क कर सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला राजस्थान में आपका पड़ता है दराह नेशनल पार्क। अब ये देखिए, दराह नेशनल पार्क एक भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 2004 में 3 वन्य जीव अभयारण्य के साथ हुई थी। और एक्चुअली ये अकेला अभयारण्य नहीं है, जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में, तो इसके साथ 2 और अभयारण्य जुड़े हुए हैं, जो हैं आपका जो है चंबल वन्य जीव अभयारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। यह काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों के कटाव के भीतर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका दराह नेशनल पार्क, जो राजस्थान स्टेट में है। याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ ले कि दराह नेशनल पार्क किस राज्य में है, राजस्थान में है, और किस ईयर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 2004 में हुआ था। और 2004 में और कौन कौन से जो नेशनल पार्क हैं, जो जिनका इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना की गई थी, तो इसमें जो आपके हैं आपका चंबल वन्य जीव अभयारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल है, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपका जो अगला नेशनल पार्क है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क। अब जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं कि डेजर्ट नेशनल पार्क है, नाम इसका दिया हुआ है, तो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। तो ये ऐसा एक अभयारण्य है जो जिसमें रेत पाई जाती है, यानी पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ही ये इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान जो है, ये राजस्थान में पश्चिम भारतीय राज्य राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर के शहरों के पास स्थित है। राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं, जैसलमेर और बाड़मेर, ये शहर हैं। और यह 3,162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यानी कि मतलब अगर बड़े राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए, तो डेजर्ट नेशनल पार्क बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। पार्क के लगभग 20% हिस्से में रेत के टीले हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि जो है ये डेजर्ट नेशनल पार्क टोटल रेगिस्तान है, तो इसमें 20% जो इसका हिस्सा है, जो इसका क्षेत्रफल है इस पार्क का, इसमें 20% जो क्या है रेत के टीले हैं। और प्रमुख भूभाग में क्रीगी चट्टाने और कॉम्पैक्ट सॉल्ट लेक बॉटम्स, इंटरमीडियल क्षेत्र और फिक्स्ड टिब्बा हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे है, पश्चिम भारतीय राज्य राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर के शहरों के पास स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेजर्ट नेशनल पार्क का कितना प्रतिशत, ये कितनी परसेंट हिस्सा रेत रेत के टीलों से बना हुआ है, तो आपको बताना है कि 20%। ठीक है दोस्तों, 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली पार्क की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये आपका नेशनल पार्क है केवला डीव नेशनल पार्क, जो हिंदी में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर, जो केवला डीव जो राजस्थान में जो अभयारण्य है, इसको पहले भरतपुर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के भरत पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, यानी इसका नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता था इसको। भारत भारत एक प्रसिद्ध
एविपुना अभयारण्य है जो विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में हजारों पक्षियों की मेजबानी करता है। कहने का मतलब है ये ऐसा अभयारण्य है कि जहाँ पे हजारों की तादाद में पक्षी अलग अलग राज्यों अलग अलग स्थानों से यहाँ पे इमिग्रेंट होकर आते हैं। अब पक्षियों की 230 से अधिक प्रजातियाँ निवास के लिए जानी जाती हैं। यह एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है जहाँ पक्षीविदों का स्कोर हाइबरनल सीजन में होता है। यह 1971 में एक संक्षिप्त अभियान घोषित किया गया था। यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है। तो आप कह सकते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुआ था, पहले रहा होगा, लेकिन जो इसको अभियान जब घोषित किया गया तो 1971 में 1971 में घोषित किया गया, और ये भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक नाम केवलादेव भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है केवलादेव नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 230 से अधिक प्रजातियाँ निवास के लिए जानी जाती हैं। यह एक प्रकार से जो नेशनल पार्क है ये पक्षियों की अब क्या करता है, मेज़बानी करता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगहों से सारे पक्षी यहाँ पे आके एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले पार्क की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्क आपका जो है ये भी राजस्थान में है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य भारत के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज में स्थित है। यानी ये जो अभयारण्य है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो, ठीक है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1980 है। लाइन आप देख सकते हैं, डिटेल आप देख सकते हैं, डिटेल में लिखा हुआ 1980 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में रहने वाले जीवों में भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, सांभर हिरण, जंगली सुअर और चिंकारा शामिल हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे व्याख्यात्मक चीज़ों पर दिया है, डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। आपको एक बार खुद से स्टडी करना है, एक बार को खुद से पढ़ना है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, मैं केवल आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताता जा रहा हूँ, और आपको डिटेल में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कंटेंट पढ़ते जाइए, आपको जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में बोरिंग होती, समझने में बोरिंग होती है, और आइस को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लगातार अगर आप मोबाइल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं या लैपटॉप या नोटपैड या किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो जो है आई साइट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए मैं छोटे वीडियो की कोशिश करता हूँ कि आपका वीडियो हाफ एन आवर, लेस देन हाफ एन आवर में कंप्लीट कराया जाए, ताकि आपको जानकारी भी सही तरीके से प्राप्त हो सके और आपकी हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्क की तरफ। तो दोस्तों आइए, आपका जो अगला नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको विजिट कराते हैं और इसके बारे में जानकारी आप देते हैं। फैक्ट्स आप खुद पढ़ते जाइएगा, मैं केवल आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर के पास है, ये एक विशाल वन्यजीव अभयारण्य है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये एक वन्यजीव अभयारण्य है जो उत्तरी भारत में है। यह एक पूर्व शाही शिकारगाह और बाघों, तेंदुओं और दलदली मगरमच्छों का घर है। यहाँ पे इस नेशनल पार्क में दलदली मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, और जो है बाघ भी हैं, तेंदुए वगैरह भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। इसके स्थलों में 10वीं सदी का रणथंभौर किला है, एक पहाड़ी की चोटी और गणेश मंदिर शामिल है। पार्क में भी पद्म तालाबों, झील, पानी की लिली प्रचारता के लिए जानी जाती हैं। तो इसका नाम रणथंभौर नेशनल पार्क क्यों पड़ा, इसका नाम रणथंभौर नेशनल पार्क इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक किला है जिसका नाम है रणथंभौर किला, तो उसी के पास में ही नेशनल पार्क है, तो उसी के नाम से इसको जो है इस पार्क का नाम रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको नए पार्क की सैर करवाते हैं। जी दोस्तों, ये सारिस्का टाइगर रिजर्व, ये जो आपका नेशनल पार्क है सारिस्का टाइगर रिजर्व, ये एक्चुअली बाघों के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये बाघ आरक्षित जो है अभयारण्य है। इसमें देख सकते हैं आप कि सारिस्का बाघ अभयारण्य अलवर जिले के राजस्थान में है, भारत में एक बाघ अभयारण्य है। यह 881 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें झाड़ झंखाड़ वाले जंगल हैं, शुष्क पतझड़ी जंगल, घास के मैदान और चट्टानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। और इसे 1978 में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाते हुए एक बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। 1990 में वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
ठीक है दोस्तों, ये पहले वन्य जीव अभयारण्य था, लेकिन बाद में इसको जो है 1990 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सारिका टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, और किस ज़िले में है, ये अलवर ज़िले में है। और किस ईयर में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, देखिए इसे 1978 में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाते हुए, ये प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा रहेगा, और बाद में जो है इसको एक अभयारण्य बनाया गया, बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया, और 1990 में वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार खुद से कंटेंट पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, चीज़ें आपकी समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्क की तरफ। जी दोस्तों, अगले पार्क में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो पार्क बताया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश में है। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसकी विजिट करवाते हैं। तो दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश में जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अब दुधवा नेशनल पार्क क्या है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, और व्याख्यात्मक यानी डिटेल में यहाँ पे दी गई हैं, आप खुद से एक बार स्टडी करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, मैं केवल आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट या जो फैक्ट्स हैं इसमें उसके बारे में आपको जानकारी मैं बताता चलूँगा साथ ही साथ। तो दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तरी उत्तर प्रदेश के दलदली घास के मैदानों की तराई बेल्ट में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह 190 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के बफर जोन के साथ 490.3 किलोमीटर वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर बात आए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, राज्य तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाता है, लेकिन दुधवा नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ज़िले में है, तो यह खीरी और लखीमपुर ज़िले में दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यह लखीमपुर खीरी ज़िले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली इसकी जो डिस्ट्रिक्ट मेन डिस्ट्रिक्ट क्या है, लखीमपुर खीरी ज़िले में भारत में ने जो और ये कहाँ पे, अगर किस बात आए कि किस बॉर्डर पर कौन सा नेशनल पार्क है, तो भारत और नेपाल बॉर्डर पर जो है ये दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। इसके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर आरक्षित वन क्षेत्र है। यह विविध और उत्पादक तराई पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ और शेष क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ लुप्त प्राय प्रजातियों का समर्थन करता है। लंबे गीले घास के मैदानों की प्रजातियों और प्रतिबंधित वितरण की प्रजातियों का पालन करता है। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, और किस ज़िले में है, तो आपका ये आपका लखीमपुर खीरी आप देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी में है। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्र आपका ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, तो आपको ये एग्ज़ाम में आपको पूरी पूरी हेल्प मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्क की तरफ। दोस्तों, अगला आपका राज्य है केरला। केरला में आपका जो अगला पार्क है वो है इरेवेकुलम नेशनल पार्क। तो इरेवेकुलम नेशनल पार्क क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, तो इरेवेकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत में केरल के इडुक्की ज़िले में पश्चिम घाट के स्थित 97 किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो उद्यान है इसके बारे में बताना चाहूँगा आप कि केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इरेवेकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल वन और वन्यजीव विज्ञान विभाग मुन्नार वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रशासित है, जो पास के मठकट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनुमति 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, चिनार वन्यजीव अभयारण्य और कुरिंजिमला अभयारण्य भी चलाता है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर रखिएगा कि मतलब इसमें जो अभयारण्य के नाम जितने बताए जा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मठकट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनुमति 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपके जो है नीचे चिनार वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद कुरिंजिला वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे जो अभयारण्य हैं ये आपके केरला में ही उस अवस्थित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि 16 राष्ट्रीय उद्यान मठकट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनुमति 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, चिनार वन्यजीव अभयारण्य और कुरिंजिमला अभयारण्य किस राज्य में है, इन्हीं में से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए स्टडी कर लीजिएगा। चलिए अगले पार्क की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपके केरल में ही, केरल राज्य में ही अगला ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है मठकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बोलते हैं मठकेटन नेशनल पार्क।
तो ये इस राज्य आपके केरला राज्य में है। यह 21 नवंबर 2003 में अधिसूचित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये अधिसूचित क्षेत्र है, ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, जो आपका वन विभाग होता है, उसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र है। और इस पथ को 1897 में त्रावणकोर सरकार द्वारा एक आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। अधिसूचित मतलब ये त्रावणकोर सरकार के द्वारा जो है अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले भूमि का कुछ हिस्सा इलायची के उत्पादन के लिए पट्टे पर दिया गया था। यह 21 नवंबर 2003 को अपने पारिस्थितिकी पुष्प और भौगोलिक संपदा और इसके पर्यावरण की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यानी पहले ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया गया था, सिंपल से इलायची के यहाँ पर उत्पादन का काम होता था, लेकिन 21 नवंबर 2003 को अपने पारिस्थितिक पुष्प और भौगोलिक संपदा यानी इन सब संपदाओं को देखते हुए और इसके पर्यावरण की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मठ केटन नेशनल पार्क या मठ केटन नेशनल पार्क किस राज्य में है, या आपका केरल राज्य में है, ठीक है, और किस जिले में है। ये इडुक्की केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है इडुक्की, तो इडुक्की जिले में जो है ये अभ्यारण्य उपस्थित है, ठीक है। चलिए अगले अभ्यारण्य की तरफ। जी दोस्तों, ये आपका अगला अभ्यारण है पेरियार नेशनल पार्क। अब पेरियार नेशनल पार्क फेमस क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये एक हाथी आरक्षित और बाघ आरक्षित के रूप में उल्लेखनीय है। मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट या फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बाघ और हाथी को आरक्षित करके रखा जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य है, भारत के केरल में इडुक्की पठानमथिट्टा जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। किस डिस्ट्रिक्ट में? पठानमथिट्टा, ठीक है, और भारत के केरल में इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यही एक हाथी आरक्षित और एक बाघ आरक्षित के रूप में उल्लेखनीय, जैसा मैंने अभी कुछ सेकंड्स पहले बताया है। यह संरक्षित क्षेत्र उन्हें 925 किलोमीटर का है, जिसमें से 1982 किलोमीटर में कोर जोन का 305 किलोमीटर क्षेत्र पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। यह पार्क दुर्लभ लुप्त प्राय और लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों का भंडार है, और केरल ही की दो महत्वपूर्ण नदियों का प्रमुख जल क्षेत्र है पेरियार और पंबा, ठीक है दोस्तों। तो अगर एग्जाम में मान लो कभी एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि केरल में दो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पेरियार और पंबा, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि पेरियार नदी किस जिले में है, सॉरी किस राज्य में है, ठीक है, तो पेरियार नदी केरल में है, या पूछ लेता है कि पंबा नदी किस राज्य में है, तो पंबा नदी केरला में है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये जो पॉइंट्स आपके पेरियार और पंबा, ये दोनों रिवर्स के नेम हैं जो केरला में हैं, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले पार्क की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में ही है, ठीक है। तो दोस्तों एक आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो से कि आप पूरे डिटेल्स आप चेक कर पा रहे हो और मैं आपको पूरी चीज़ें अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो इन्फॉर्मेशन ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके और ये एग्ज़ाम में उनकी भी हेल्प कर सके, ठीक है। और आपको वीडियो से संबंधित या किसी चीज़ से संबंधित कोई आपको दिक्कत है या कोई आपको डिस्कस करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आपसे बात कर पाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और अगर ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहें, तो जहाँ पे वीडियो ये अपलोड की जाती है, जहाँ पे वीडियो अवेलेबल होगा, उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दी गई होगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मैंने अवेलेबल करवाई है, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। जितना ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा, मुझे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट अवेलेबल करा पाऊँगा। और जैसे ही यहाँ से कोई चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जनरल स्टडी हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, किसी भी टाइप की वीडियो यहाँ से अपलोड की जाएंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। यह आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है दोस्तों। तो दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरल वन और वन जो विभाग भारत के केरल राज्य के लिए एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। केरल का पहले जो है केरल का 75% से अधिक भूमि क्षेत्र 18वीं शताब्दी तक वनों से आच्छादित था। यानी केरल में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते थे, पूरा
75% यानी 100% में 75% केवल जंगल ही पाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये केरल में है। ठीक है, और बात आती है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क 26 दिसंबर 1980 को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका, उत्तराखंड में आपका जो पहला आपका जो पार्क है यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे दिया गया है गंगोत्री नेशनल पार्क। अब गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है और इसका क्षेत्रफल क्या है, चलिए देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भारत में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 920 वर्ग मील को कवर करता है। इस निवास स्थान को शंकुधारी वन, अल्पाइन घास के मैदान और ग्लेशियर भी हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है इसमें शंकुधारी वन, अल्पाइन घास के मैदान और ग्लेशियर भी हैं इस नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, और ये आपका कहाँ, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तरकाशी में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपको, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, उत्तरकाशी है, राज्य क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये पार्क यहाँ पे अवेलेबल है, अवस्थित है। चलिए अगले पार्क की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका अगला जो नेशनल पार्क है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका गोविंद पशु विहार भी कहा जाता है इसे, और इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। तो एक्चुअली गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों भारत में 1955 में शुरू में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। इसका नाम एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ गोविंद पल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है, जो 1955 में गृह मंत्री बने और उन्हें एक आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की स्थापना के लिए उनकी उपलब्धि के लिए याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1955 में जो है गोविंद पल्लभ पंत जी जो है मंत्री बने थे, गृह मंत्री बने थे, तो इन्हीं के नाम पर ये जो है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रखा गया था, इनका नाम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। और ये किस ईयर में इसे वाइल्ड लाइफ अभयारण्य यानी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, 1955 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले तो दोस्तों अगले पार्क की तरफ बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये पार्क किस राज्य में है। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है राज्य तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के शहर मैं आपको करवाऊंगा। तमिलनाडु में जो आपका जो पहला जो पार्क यहाँ पे दिया गया है गोइंडी नेशनल पार्क, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि गोइंडी नेशनल पार्क क्या है और ये क्यों फेमस है। तो गोइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु का 1.04 वर्ग मील संरक्षित क्षेत्र है जो भारत के चेन्नई में स्थित है। तो आप समझ गए होंगे कि गोइंडी नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और किस क्षेत्र में, चेन्नई में स्थित है। ये भारत का आठवां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी गोइंडी नेशनल पार्क भारत का आठवां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और एक शहर के अंदर स्थित बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह पार्क राजभवन के आसपास के मैदान का एक विस्तार है जिसे पहले भारत के तमिलनाडु के राज्यपाल के आधिकारिक निवास स्थान गुंडी लॉस के रूप में जाना जाता था। यह सुंदर वनों को घेरते हुए, जमीनों, झीलों और नालों को घेरते हुए गवर्नर की संपत्ति के भीतर तक फैला हुआ है। यह पार्क 1977 में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा इस मोटे मोटे स्टॉम पॉइंट्स कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1977। ठीक है, और इसमें गुंडी लॉस क्या है, सो आप ध्यान से देख लीजिएगा, कंटेंट को एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्क की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। अब मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें 21 छोटे द्वीपों और समीपवर्ती प्रवाल भित्तियां हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। यह तमिलनाडु के पूर्वी तट से 1 से 10 किलोमीटर दूर है। पार्क के अंदर सार्वजनिक पहुंच ग्लास बोट नाव की सवारी तक सीमित है, यानी इसमें जो बोट चलती है, नाव चलती हैं, वो ग्लास की बनी होती हैं, शीशे की बनी होती हैं, तो ये इसकी सवारी वहाँ तक ही जहाँ सीमित है। यह 1986 में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क किस राज्य में है। ठीक है, तो राज्य याद रखिएगा, और इसमें वहाँ पे सवारी करने का साधन क्या है, तो ग्लास बोट नाव है वहाँ पे। ठीक है, और ये जो है 21 द्वीपों वाला समुद्री प्रवाल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्क की तरफ।
तो दोस्तों अगला पार्क आपका है इंदिरा सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में ही है। इंदिरा सेंचुरी अगर क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल पूछ लेता है कि इंदिरा सेंचुरी किस राज्य में है, तो ये आपका किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो एनामलाई टाइगर रिजर्व जिसे पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था, पहले एनामलाई टाइगर रिजर्व को पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज इसका नाम एनामलाई टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। ठीक है, और पहले एनामलाई वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, एक संरक्षित क्षेत्र है जो कि पोलाची के एनामलाई हिल्स और कोयम्बटूर जिले के वालपराय तालुकू और तिरुमपुरे जिले तमिलनाडु के उडुमलाई पोटाई तालुक में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि इंदिरा सेंचुरी या एनामलाई टाइगर रिजर्व किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1976 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पार्क की तरफ बढ़ते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वन जो अभ्यारण्य भी एक घोषित बाघ अभ्यारण्य है जो नीलगिरी जिले के उत्तर पश्चिम की ओर, नीलगिरी जिले में भारत में तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह कर्नाटक और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है और अभ्यारण्य को 5 श्रेणियों में विभाजित करता है, जिसमें वो 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, मासिनागुड़ी, थेपकाडु, मुदुमलाई, कारगुड़ी और नेल्लोट्टा। यह पार्क 1940 में स्थापित किया गया था। तो ये प्लेसेस, ये जो श्रेणियाँ हैं इनको याद रखना है। और दूसरी चीज़, किस ईयर में, 1940 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्क की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला जो पार्क है ये है मुकुर्ती नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो 30.3 वर्ग मील का संरक्षित क्षेत्र है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में तमिलनाडु राज्य के उत्तर पश्चिम कोने में उटाकामुंड हिल स्टेशन के पश्चिम में नीलगिरी पठार के पश्चिम कोने में स्थित है। पार्क को अपनी कीस्टोन प्रजातियों नीलगिरी तहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 12 दिसंबर 2001 में की गई थी। दोस्तों स्थापना वर्ष याद रखिएगा। और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है और इसका क्षेत्रफल क्या है, ये आपको पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्क की तरफ। दोस्तों ये मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में है। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मुकुर्ती नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्क की तरफ। दोस्तों आपका जो अगला अभ्यारण है ये आपका पलानी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण, पलानी हिल्स नेशनल पार्क इंग्लिश में जिसे कहते हैं पलानी हिल्स नेशनल पार्क। तो ये आपका पलानी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण है और राष्ट्रीय उद्यान डिंडीगुल जिले तमिलनाडु भारत में एक प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र है। यह पार्क 736.87 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये एक वन्यजीव अभ्यारण का उन्नयन और विस्तार है। ठीक है, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। और तो बच्चों इस नेशनल पार्क में बस आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि पलानी हिल्स नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये 2068 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 36% शामिल है। ठीक है, तो ये इसमें मोटे मोटे पॉइंट याद रखिए। ज़्यादा इसमें कुछ जैसे पार्क ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा आपको पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इसमें जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्षेत्रफल क्या है और किस राज्य में अवस्थित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आपका ये आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर जैसे अगर आप शेयर करेंगे तो आपको उससे शेयर करने से जो है ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन के साथ साथ जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा उतना ज़्यादा बच्चे जानेंगे। तो एक सिंगल किसी सिंगल पर्टिकुलर किसी को पढ़ाने में या एक दो को पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तब पढ़ाने में इंटरेस्ट और आता है, प्रोत्साहन ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब जितनी ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा।
और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह कोई आपको आप बात पूछना चाहते हैं या कोई डिस्कस करना चाहते हैं या किसी विषय के रिगार्डिंग आप डिमांड करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। और आज की जो ये जो वीडियो आप सेशन जो अभी चला है, इस सेशन का अगर आपको PDF चाहिए, आप अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।